उत्तराखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामले पर अब अधिक संवेदनशील नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बाल अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में आयोग हर मुद्दे को गंभीरता से लेकर इस पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ लगातार आपराधिक मामले सामने आने पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रदेश में सभी मदरसों, शिक्षण संस्थानों, बाल गृह और दिव्यांग केंद्रों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि पिछले दिनों मदरसे में मौलवी द्वारा बालिकाओं से दुराचार करने जैसे मामले में ये निर्देश जारी किए गए हैं। बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने अधिकारियों से जांच में 18 साल तक के बच्चों के संस्थान, मदरसे, बाल गृह को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षण संस्थानों का संचालन कौन कर रहा है, इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए, यानी कि शिक्षण संस्थानों के स्वामित्व की पूरी पृष्ठभूमि और विवरण भी जांच में शामिल रहेगा। साथ ही इस बात की भी जांच होगी कि कहीं सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करके शिक्षण संस्थानों का निर्माण तो नहीं किया गया है। वहीं 15 सितंबर तक अधिकारी कार्यवाही की रिपोर्ट बाल आयोग को सौंपेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैंने उधम सिंह नगर में लिखा है क्योंकि पिछले 10 दिनों में कितनी घटनाएं वहां पर आ गई। कहीं शिक्षण संस्थान में बच्चों के साथ छेड़खानी हो रही है, टीचर पे एक्शन नहीं हुआ है, कहीं मदरसे में संचालक ही बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहा था, एक प्रतापपुर की स्कूल बस के नीचे 3 साल का बच्चा आके उसकी दुखद मृत्यु हो गई और घर में घुसकर एक मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची के साथ, मतलब ये पिछले इतने दिनों में ही तो हम देख ही रहे हैं कि सभी जिलों की बात हम करें कि कितना बच्चों के प्रति ये जो अत्याचार हैं, मानसिक, शारीरिक, यौन, सभी तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये पत्र गया है कि जहाँ कहीं भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मदरसा हो, चाहे वो कोई होम हो, नहीं हम सेवा के लिए हमने अनाथ बच्चों को आश्रय दे रखा है, विकलांगों को हमने आश्रय दे रखा है, ऐसी कोई भी जगह हो उसका सत्यापन किया जाए कि वो अगर है तो क्यों है, उसकी ज़मीन किसके नाम पे है, संस्थापक और संचालक कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पे कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चों के अभिभावकों को कितनी जानकारी है उस सब सच्चाई की, क्या जिस तरह के नियम वहाँ पालन होने चाहिए क्या उन नियमों का पालन हो रहा है। आइडिया इज टू मेक एवरी स्टेट, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ माई स्टेट एक सेफ प्लेस फॉर चिल्ड्रन।